गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के सामान प्रेक्षक मलय घोष, पुलिस प्रेक्षक सुधीर पोरिका ने प्रभारी अधिकारियों, नोडल अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस के एनएक्सी भवन सभागार में बैठक किया। बैठक में प्रेक्षकों ने निर्देश दिया कि पूरी मेहनत निष्ठा के साथ निर्वाचन में दिए गए कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करें एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए सभी भूमिका का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करें। इस अवसर पर प्रेक्षक गणों ने विभिन्न प्रभारी अधिकारियों से उनके द्वारा अभी तक किए गए कार्यों के बारे में जानकारी ली। दोनों प्रेक्षकों ने कहा कि दवाओं की उपलब्धता के साथ साथ पोलिंग पार्टियों को गर्मी से बचाव के लिए जानकारी दी जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडे ने प्रभारी अधिकारियों के कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बाकी ये जो एक एक पॉइंट भी चले तो ऑफिसर है तो बुला लीजिएगा मीटिंग बुला। Before we start the meeting, so when we have followed it, and you know that already the election process came acceleration from this time, because we have to do many things within this short span of time. So before we start, we can let us introduce ourselves so that we can be acquainted with each other. नमस्कार सर, आपका चतुर्थ बुद्धि गुप्ता ए डी एम प्रशासन सेक्टर में से दोनों में से स्टैंडिंग में से और ऊपर दोनों में से की तैनाती प्रशिक्षण करने वाला प्रशासन। इस बात का जो सुविधा दी गई है उनमें विभाग का काम कितने हो गया है और कितने चल रहा है और अभी उसी विभाग का कोई घटनाएं कोई देखा जाए तो उसको विभाग में बता सकते एक दिन तो आपके पास सोचिए नोडल ऑफिसर का उस पर एक एक करके आप दे दीजिए तो लोकसभा के अंतर्गत है सर। टोटल सर 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सर, टोटल ऑफ 3870 बूथ्स, 34,000 है सर, 33,948 है सर, जिसमें 919 है सर। तो जितनी सर हमारी आवश्यकता है, जितनी हमारी नीड है सर, उसके हिसाब से सर हमारे पास इनफ नंबर्स हैं सर। हर एक लेवल के सर जो एम्प्लॉइज हैं, पीठासीन के लिए भी, पीओ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए भी, पीओ वन के लिए, पीओ टू के लिए और पीओ थ्री के लिए सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक सर हम लोगों ने अपना पहला रेंडमाइजेशन सर कर लिया है सर स्टाफ का सर, और उसके बाद उनकी पीओ और पी वन प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट की सर हमने अपनी पहली ट्रेनिंग कर लिया है सर। तो मतलब की का जो थ्री डेज सर इन फ्रॉम 10 टू 15 विल हैव आवर सेकंड ट्रेनिंग। Third randomization sir will do on 17 sir, because on 18 we have to do our party dispatch sir.